खड़े होकर पानी देखते रहने से नदी पार नहीं कर सकते। अभी आपकी उम्र है, अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, आर्मी में सिलेक्शन हो, तो हर सुबह उठो और खुद से कहो कि मैं हूं भारतीय सैनिक, मैं हूं आर्मी मैन। रेस करने वाले युवा कुछ अलग तरह की मेहनत करते हैं, और जितना कठिन प्रयास होगा विजय उतनी ही शानदार होगी। लोग आप पर हंस रहे होंगे, समझो शायद आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, इसलिए लोगों को हंसी आ रही है। और जब लक्ष्य छोटा है तो आप विफल हो ही नहीं सकते। बस खुद पर यकीन रखो, आपका दुश्मन खुद ब खुद पछताएगा। आपका निरंतर प्रयास ही आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अगर एक बार सफलता के बिल्कुल नजदीक जाकर आप रह गए, जैसे आर्मी में आप रस्से के पास रह जाते हो, तो उठो, खुद को संभालो और मुस्कुरा कर कहो, साला मेरी ही कोई गलती रह गई थी। मैदान भी आपकी ताकत को दुगुना कर देगा। कभी भी असफल होने पर अपने पास्ट को याद मत करो, आगे ये सोचो कि अब मुझे क्या करना है। जिंदगी में जितने ज्यादा निराश रहोगे उतना पीछे जाओगे, इसलिए उठो। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तब तक मत रुको जब तक कि आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। मैं वीरू फौजी, जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो शेयर करना, और जिंदगी में कभी निराशा को पास में भी मत भटकने देना, आलस त्याग दो। जिंदगी में हमेशा ताकत से भरपूर रहो, हर काम के लिए आई कैन डू इट मैं इसे कर सकता हूँ। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिस प्रकार हम दौड़ते हैं मन में एक ही भावना रहनी चाहिए कि मैं धीरे दौड़ रहा हूँ। पैर अपने आप उठने लग जाएंगे। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात की एक ही क्यों न बजे हो। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपको मिले, तो अच्छे से उसे खुद करना सीखिए। व्यक्ति सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। मेहनत करो, करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और एक ये लालच कभी मत त्यागो, आज मेरा समय अगर 5:10 आया है तो कल साला 5:05 ही आएगा। जिस दिन ये भाव आपके मन में उमड़ने लगेंगे, आपकी जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। बातें अगर अच्छी लगी शेयर और लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।